हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप फेसबुक अकाउंट रिकवर कर सकते हैं विदाउट ईमेल, विदाउट फ़ोन नंबर। जी हाँ फ्रेंड, यदि आपके पास नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, तो आप किस तरह से अकाउंट को रिकवर करेंगे। यदि आपका अकाउंट, फेसबुक अकाउंट कंप्रोमाइज हुआ है, किसी दूसरे के पास चला गया है, तो आप कैसे अपना अकाउंट को रिकवर करेंगे, सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। यदि आप वीडियो को कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो दोस्त, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर दोस्त, जिस अकाउंट को रिकवर करना, अभी उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। हमें जो अकाउंट को रिकवर करना वो तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में अपने फैमिली मेंबर के, अपने दोस्त की, किसी की, या फिर आप फिर कोई टेम्परेरी आईडी हो तो उसको ओपन कर लीजिए। क्यों दोस्त? क्योंकि जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वो अकाउंट रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। यानी आपकी दूसरी कोई आईडी हो फेसबुक की, या फिर आपके दोस्त की हो, आपके फैमिली मेंबर किसी की आपको मिल जाए, आप उसको यहाँ पर डालकर ओपन करिए, जो मैं करने वाला हूँ। दोस्त, मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। ये दूसरी आईडी है जिसको हमें रिकवर करना है, उसका हमें कुछ पता ही नहीं है पहली बात। तो यहाँ पर हमने दूसरी आईडी अपनी फैमिली मेंबर के, दोस्त की हो सकती है, आपकी टेम्परेरी आईडी हो सकती है, लॉगिन कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे उसका अकाउंट खुलता है तो अब आपको क्या करना है वही चीज़ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके दोस्त की आईडी, या आपकी टेम्परेरी कोई आईडी दूसरी होगी, या फिर आपके फैमिली मेंबर की कोई भी आईडी होगी जो कि ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर बस आपको क्या करना था कि यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके जिस अकाउंट को रिकवर करना है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल देना, यूज़र नेम डाल देना है अपने आईडी का। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आईडी जो जिसको रिकवर करना है उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हमें क्या करना था, यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करके, थ्री डॉट पे इस लिंक को कॉपी करना था, ठीक है। ये लिंक आप किसी को, मतलब किसी के फेसबुक अकाउंट को ओपन करोगे, आप अपना नाम सर्च करोगे अपने फेसबुक का जिसको रिकवर करना है, तो उसका ये लिंक आप कॉपी कर लेंगे पहले। अब लिंक कॉपी कर लेते हैं तो अब इस अकाउंट को हमें रिकवर करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ लॉगिन नहीं हुए, हमने केवल सर्च करके इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्त, अब यहाँ पर क्या करना है कि इस अकाउंट को रिकवर करने के लिए अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र का सहारा लेंगे। और दोस्त, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और न्यू टैब पर ओपन करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर सर्च करना है facebook.com, ठीक है। facebook.com सर्च कर देंगे, यहाँ पर आ जाएँगे। यहाँ पर दोस्त इस तरह से ओपन हो जाता है, इसको ओपन करके रखेंगे और एक न्यू पेज ओपन कर लेंगे फिर से। यहाँ पर इस तरह से प्लस साइन में क्लिक करके और फाइंड फेसबुक आईडी, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे फाइंड फेसबुक आईडी, ये मैंने लिख रखा है, मैंने एक आईडी ऑलरेडी रिकवर कर ली थी। यहाँ पर फाइंड फेसबुक आईडी देख सकते हैं, इस तरह से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आ जाता है रैंडम टूल्स के नाम से, यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्त, यहाँ पर अपना जो अभी लिंक कॉपी करके आए हो वहाँ पर से, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फाइंड फेसबुक आईडी पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको जो है आपकी आईडी, यहाँ पर आईडी का नंबर दे देता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लेगा, और चाहें तो आप वहाँ पर वो जो लास्ट में नंबर रहता है ना, उस नंबर को लिख कर आप काम कर सकते हैं, वही नंबर है यहाँ पर आईडी के रूप में आ जाता है। यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं आपकी आईडी यहाँ पर नंबर के फॉर्म में मिल जाती है। अब यहाँ पर जो है इस जो दो दिख रहे हैं दो पेज, यहाँ पर पेज पर क्लिक करेंगे, पुराने पेज में चले जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्त आने के बाद इस नंबर को यहाँ पर आप पेस्ट करिए और अब पासवर्ड डालिए। अगर लॉगिन कर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं, वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, तो अब क्या करना है, फिर प्लस साइन में क्लिक करिए, ठीक है, प्लस साइन में क्लिक करिए। अभी उस पेज को कुछ छेड़खानी नहीं करना, हमने अपना आईडी निकाल लिया, वो वहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर अब आ जाते हैं आप, यहाँ पर फिर आप सर्च करेंगे फेसबुक एक्सेसिंग एंड डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फेसबुक एक्सेसिंग एंड डाउनलोड, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है फेसबुक एक्सेसिंग एंड डाउनलोड। पर आप क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद अकाउंट एक्सेस ट्रबल शूटिंग पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अकाउंट एक्सेस ट्रबल शूटिंग पर, आप जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प यू विथ अकाउंट एक्सेस इशू, तो आपको पहले नंबर में क्लिक कर देना, देख सकते हैं पहले नंबर में क्या लिखा, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर करने के बाद एक्सेस डाउनलोड यहाँ पर सिक्योरिट पर क्लिक कर देंगे, सिक्योरिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्त यहाँ पर रिकवर योर अकाउंट इफ़ यू थिंक योर अकाउंट कंप्रोमाइज्ड अथवा समवन यूजिंग विदाउट योर परमिशन, यदि कोई आपकी परमिशन के बिना कोई यूज़ कर रहा है या फिर अकाउंट आपका खुल नहीं रहा, तो मतलब रिकवर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विजिट दिस पेज पर आप क्लिक करेंगे, और विजिट दिस पेज पर क्लिक करने के बाद माई अकाउंट इज़ कम्प्रोमाइज पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं
अब यहाँ पे आपको वही नंबर डाल देना, देख सकते हैं, पेस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड अपना पुराना वाला डालना होगा आपको, इस आईडी का, जो आईडी थी आपकी, तो उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड डाल देंगे पुराना वाला। अब यहाँ पर दोस्त मैंने ये लिंक डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं पासवर्ड सही डालेगा, जो भी पुराना पासवर्ड आपका रहा होगा तो पासवर्ड सही डालेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, तो आप आई कांट सी द राइट ऑप्शन इन दिस लिस्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं, ओके पर यहाँ पर कर दो। यहाँ पर हाय प्रकाश, लेट सिक्योर योर अकाउंट, यहाँ पर लिख के आ रहा है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ चेक कर रहा है। आपको बताएं दोस्त, आपका वही फ़ोन होना चाहिए जिस पर आपने कभी ना कभी पिछली बार आपने अपना अकाउंट को लॉगिन किया रहा होगा, तभी आप उसी फ़ोन में अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे, सारी प्रोसेस डन हो पाएगी, ठीक है। यदि आप पुराना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं जिस पर आपने लॉगिन कभी किया था, तो फिर ये प्रोसेस होना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आपका अकाउंट रिकवर 100% होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, सारी चीज़ें चेक कर रहा है, ये टूल्स है फेसबुक का। तो दोस्त ये आपके अकाउंट को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, कीप योर अकाउंट सिक्योर, यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपना एक नया पासवर्ड बनाएंगे, चलिए हम पासवर्ड एक नया बना लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हमने एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अब यहाँ पर इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्त आप भी इसी तरह से नया पासवर्ड एक बना लीजिएगा, तो आप इसी पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्त यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिख के रहा पीपल यू हैव एडेड अथवा फॉलोड, यहाँ पर इस तरह से ये फॉलो कर रहे हैं आपको, तो ओके, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करते जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू पर करते जाएंगे। चेक रिसेंट कमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ऑल फिनिश, गो टू न्यूज़ फीड पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त देख सकते हैं इस तरह से आपके अकाउंट आ जाएगा, अब यहाँ पर इसको आप इस तरह से क्लिक कर देंगे, स्किप पर क्लिक करेंगे, वुड यू लाइक एड ईमेल, स्किप पर क्लिक करेंगे, स्किप पर क्लिक करेंगे, और नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। दोस्त ये आपको फेसबुक ऐप में डायरेक्ट कर दिया, जहाँ पर ये आपकी आईडी नहीं होगी, जो आपने फेसबुक ऐप में लॉगिन कर रखा होगा ये वो आईडी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर हो जाना है और क्रोम ब्राउज़र को फिर से ओपन करना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। तो फ्रेंड सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है फिर से, क्योंकि आपने क्रोम ब्राउज़र में अकाउंट को रिकवर किया, और सर्च बार में सर्च करेंगे facebook.com, देख सकते हैं facebook.com आ जाएगा, और इस तरह से ओपन करेंगे तो आपकी आईडी इस तरह से ओपन हो जाएगी, ये रिकवर हो चुकी है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, आप वहाँ पर क्या करता है कि डायरेक्ट आपको फेसबुक ऐप में कर देगा ना। तो दोस्त आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फेसबुक ऐप में जो आपकी आईडी लॉगिन होगी तो वो वहाँ पर आपको डायरेक्ट कर देगा, फेसबुक ऐप में डायरेक्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरी आईडी लॉगिन है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस आईडी पे हमें डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन दोस्त यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आएंगे तो आपकी आप मेन आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोफाइल मेन आईडी आपकी जिसे आपने रिकवर किया वो आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। तो मैं यही बस बताना चाहता था कि बस आप क्रोम ब्राउजर में ही आकर आपको चेक करना आपकी आईडी ओपन हो चुकी है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।